नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में सामंत व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था में सामंतवाद अपना एक विशेष स्थान रखता है। राजस्थान में आरंभ से ही राजतंत्र व्यवस्था प्रचलित रही और इस व्यवस्था में राज्य का एक स्वामी एक होता था जो राजा कहलाता था। राज्य का स्वामी अधिकांशतः मृत राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था और उसके अन्य भाई अपने जीवन यापन और अस्तित्व के लिए उस राज्य के कुछ भागी होने का अधिकार रखते थे। राजा अपने भाइयों एवं अन्य जो समीप के संबंधियों को पोषण के लिए अपने राज्य में से कुछ भूमि जागीर के रूप में देता था और उस भूमि पर उनका जन्मजात अधिकार हो जाता था और वे अपने अपने को राजा के समकक्ष ही समझते थे और जागीरों के माध्यम से अपना भरण पोषण करने वाले ये राजपूत सामंत कहलाते थे। यहां पर राजा और सामंतों के संबंध यूरोप के सामंतों के भांति दास और स्वामी के ना होकर बराबरी के होते थे और यही सामंत व्यवस्था राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय उपरांत तक बनी रही। तो इस प्रकार सामंत व्यवस्था एक प्रकार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का रूप थी जिसमें नेता के रूप में एक राजा होता था और उसके साथ उसके कुल के वंशज या अन्य राजपूत कुल के वंशज उसके साथी और सहयोगी के रूप में रहते थे। राजस्थान की सामंत व्यवस्था, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ की राजतंत्र व्यवस्था की देन थी और जब राजस्थान अस्तित्व में आया तो इस व्यवस्था का भी आविर्भाव हो गया। राजस्थान में विभिन्न कुलों के राजपूतों ने अपने अपने राज्यों की स्थापना की। स्वाभिमानी और स्वतंत्र प्रकृति के होने के कारण इन राजपूत शासकों में कभी भी मैत्रीपूर्ण संबंध कभी नहीं रहे और इसके अलावा इनकी इनमें साम्राज्यवादी भावना भी इन्हें अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने की प्रेरणा देती थी। तो इस कारण से जो शासकों के सामने हमेशा राज्य की सुरक्षा का प्रश्न सदा प्रमुख बना रहता था और सुरक्षा की दृष्टि से राजा को अपने वंश के लोगों को अपना सहयोगी बनाकर रखना परम आवश्यक हुआ करता था। तो इस कारण से सामंत व्यवस्था का संबंध सैनिक व्यवस्था एवं सैनिक संगठन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ करता था क्योंकि राजा के सामंत उनको पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा प्रदान करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामंत व्यवस्था का जन्म राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ ही हो गया और राजस्थान का अस्तित्व काल 12वीं सदी माना जाता है। तो इस कारण से सामंत व्यवस्था का उदय काल भी 12वीं सदी ही मानना उचित होगा। राज्यों के जैसे जैसे राज विस्तार हुआ उसके साथ साथ इन सामंतों की जागीरों एवं अधिकारों में भी वृद्धि होती चली गई और समय के साथ सामंतों की संख्या भी बढ़ती चली गई। सामंत काफी शक्तिशाली हुआ करते थे। अपनी जागीर की व्यवस्था करने के अलावा ये राजा को प्रशासन, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता दिया करते थे। राजा सामंतों के प्रभाव में इतना था कि वह उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता था। उत्तराधिकार के प्रश्न में भी सामंत प्रमुख भूमिका निभाते थे। सामंत कभी-कभी अपने को इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली समझ बैठते थे कि वह अपने राजा की आज्ञा की भी कई बार अवज्ञा भी करने से हिचकते नहीं थे। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो मारवाड़ के राव सुजा ने जब अपने पुत्र वीरम को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया तो उसके सामंतों ने उसे अयोग्य समझते हुए उसके जो भाई था गांगा को मारवाड़ का राव बना दिया और इसी प्रकार राव जोधा की मृत्यु पर उसके ज्येष्ठ पुत्र जोगा को शासक न बनाकर सातल को
शासक बनाया गया। तो सामंतों द्वारा इस प्रकार का हस्तक्षेप केवल मारवाड़ में ही नहीं बल्कि राजस्थान के अन्य राज्यों में भी था। राजस्थान में सामंत व्यवस्था प्रबल ही नहीं व्यापक भी थी। जैसा कि डॉक्टर आरपी व्यास कहते हैं कि राजस्थान के राज्यों में कुल क्षेत्र का लगभग 80% भूभाग सामंतों के अधिकार में था। सामंतों को जागीर में बंजर भूमि के प्रदेश ही नहीं दिए जाते थे बल्कि उपजाऊ प्रदेश भी उन्हें जागीर में दिए जाते थे। जब शासकों के महत्वाकांक्षी होने के कारण वे प्रशासनिक भार बढ़ने के कारण खर्चे में जब वृद्धि होने लगी तो उन्होंने सामंतों की अधीनस्थ भूमि को अपने अधीन करने हेतु खालसा भूमि में बढ़ोतरी करना प्रारंभ कर दिया और शासकों की इस नीति का सामंतों ने खुला विरोध किया और इस कारण से सामंतों और शासकों के बीच के जो संबंध थे उनमें तनाव आने लगा और राजा ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हुए सामंतों के अधिकारों पर कुठाराघात करना शुरू कर दिया। इस प्रकार दूसरी तरफ सामंत कुली व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे और इसी कारण मारवाड़ के राम गांव और उनके सामंतों के बीच विवाद भी उत्पन्न हुआ। परंतु सामंत उनके समय में इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वे एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगे थे। राव गांगा ने उनकी शक्ति का दमन वो नहीं कर सके और जब मालदेव ने उनके अधिकारों पर प्रहार किया तो उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़े। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान के जो सामंत हुआ करते थे वो काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। राजस्थान की सामंत व्यवस्था की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है कि पहले हम बात करें, एक तो सामंत जो व्यवस्था थी सामंत व्यवस्था वो समानता पर आधारित थी। यहाँ राजस्थान में राजा और सामंतों के संबंध दास और स्वामी के सिद्धांत पर आधारित ना होकर समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। सामंत अपने राजा को दास राजा के दास ना उनको समझा जाता था बल्कि उनको समकक्ष ही राजा के समान ही समझा जाता था और जागीर मिलना राजा की अनुकंपा का प्रतिफल वो ना मानकर अपने अधिकार का प्रतिफल उसे मानते थे। तो इस प्रकार से उनके सामंत व्यवस्था जी थी जो समानता पर आधारित थी। सामंतों के राजा से रक्त संबंध हुआ करते थे। उन्हें जागीरें जो दी जाती थी राजा के द्वारा वो इसीलिए दी जाती थी क्योंकि वे राजा के भाई बंधु या संबंधित होते थे। और इसके अलावा कुछ सामंत ऐसे भी होते थे जिन्हें राजा उनकी वीरता तथा धार्मिक निष्ठा के कारण जागीर प्रदान करता था और जब राजा को किसी तरह की आवश्यकता होती थी तो उस समय राजा की सुरक्षा के लिए वो मर मिटना भी अपना कर्तव्य समझते थे। और जो अन्य सामंत होते थे वो राजा को अपने ही कुल का एक सदस्य मानते थे। तो सामंत जो थे राजस्थान में वो राजा से उनका रक्त संबंध हुआ करता था। सामंती व्यवस्था का उत्थान और पतन भी उनके राजाओं के साथ ही हुआ। तो जहां मैंने आपको शुरू में बताया कि राजस्थान में शासकों के उत्थान का इतिहास भी वहां के सामंतों के उत्कर्ष का इतिहास है, तो इसी प्रकार जब इनका पतन भी राजाओं के साथ ही हुआ, यहाँ पर यूरोप का इतिहास इससे भिन्न है। वहां के राजा वे सम्राट अपने सामंतों की शक्ति का दमन करके ही शक्तिशाली हुए, लेकिन राजस्थान में ऐसा बहुत कम मात्रा में हुआ। यहाँ राजा और उसके सामंतों के बीच शक्ति की प्रतिद्वंद्विता कम रही। दूसरे सामंत राजा के प्रति स्वामी भक्त हुआ करते थे। हालांकि
हालांकि सामंतों और राजाओं के संबंधों में कई बार उतार चढ़ाव आते रहे, परंतु सामंत अपने राजा के प्रति परम भक्त हुआ करते थे। हालांकि जोधपुर के सामंत बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्होंने अपने राजा की इच्छा का कई बार विरोध भी किया, परंतु ऐसे अवसर बहुत कम आए जब सामंतों ने कठिनाई के समय अपने स्वामी का साथ ना दिया हो। इस प्रकार की घटनाएं हमें राजस्थान के अन्य राजाओं के राज्यों में भी मिलती है, और वक्त पड़ने पर सामंतों ने अपने राजा का पूरा साथ देकर राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में योग दिया। धन्यवाद।